हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा निवेशक साथियों का हमारे स्टी न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए लेटेस्ट जानकारी लेकर आए हैं, वह जानकारी सभी चिटफंड कंपनियों के लिए है। या दोस्तों, ये जानकारी खास तौर से मैं सहारा के निवेशकों के लिए देना चाहता हूँ, ताकि वह भी इस बड़े अभियान से पीछे ना रहें और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो चलिए दोस्तों, पूरी न्यूज़ सुनाते हैं कि ये क्या न्यूज़ है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि 6 नवंबर 2019 को दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के सभी चिटफंड कंपनियों से पीड़ित जिनका भुगतान नहीं हो रहा है, चिटफंड कंपनियों से या वह कंपनियां बंद हो गई हों, जमाकर्ताओं और कार्यकर्ताओं का सम्मेलन AISO के बैनर तले आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इस समस्या से होने वाली परेशानियों को अवगत कराया जाएगा, जिसमें आप सभी लोग स्वेच्छा से आमंत्रित हैं। आप सभी पीड़ित लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कर इस योजना को सफल बनाने का कष्ट करें, जिससे सभी चिटफंड कंपनियों के निवेशकों का पैसा वापस मिल सके। दोस्तों, आगे खबर है कि खून के आंसू रुला रहा है सहारा इंडिया। जी दोस्तों, आगे खबर है, प्रबंधक निदेशक सुब्रत राय व आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी अहमदाबाद श्री राहुल मोदी एवं मुकेश मोदी एवं संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव एवं पल्स लिमिटेड भाजपा के राज में हुई तबाही, चारों ओर मंजर उदासी वाला, बैंक डूबे, अर्थव्यवस्था भी संकट के दौर में, सरकारी कंपनियों का हाल बुरा कर डाला, बर्बादी के इस मंजर में, मनमानी के मौसम में जो मौन रहेगा, नवंबर उसका भी आने वाला है, सॉरी दोस्तों, नंबर उसका भी आने वाला है। अनिल गुप्ता राजगढ़ जिला अलवर। या दोस्तों, ये पोस्ट हमारे पास आई थी। इस पोस्ट के माध्यम से आप सभी निवेशकों को एकजुट करने का आह्वान या दोस्तों किया जा रहा है, ताकि सभी निवेशक एकजुट हो सकें और अपनी मांग को लेकर इस 6 नवंबर के महाअभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको स्टी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर अगर आपको पसंद आए तो हमारे स्टी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं।